चीज़ है वो एक कम्युनिटी के खिलाफ है। ये सबसे बड़ा गलत बात है। जब से हम लोग ADC में पावर में आए, एक भी नॉन तिप्रसा फैमिली के ऊपर ना आक्रमण हुआ है ना अत्याचार हुआ है। आज तक एक भी धर्म के नाम में मैंने आज तक कभी पॉलिटिक्स नहीं किया है। हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, बुद्धिस्ट हो, मैंने कभी भी धर्म के नाम में पॉलिटिक्स नहीं किया। ये जो हमारा डिमांड है ग्रेटर पीपलैंड का, बहुत लोग बोलते हैं कि ये एंटी नेशनल है। पहले बात है कि यही डिमांड झारखंड के लोग ने किया, इसका ये मतलब नहीं था कि वो एंटी नेशनल है। और ये जो है कि ये एंटी बंगाली है। जब झारखंड के लोगों ने झारखंड का डिमांड किया, जब यूनाइटेड बिहार था, तो वो एंटी बिहारी मूवमेंट नहीं थी। जब छत्तीसगढ़ बना मध्य प्रदेश, तो वो एंटी मध्य प्रदेश मूवमेंट, मध्य ट्राइबल, वहाँ के छत्तीसगढ़ के ट्राइबल लोग ने नहीं कहा कि हम मध्य प्रदेश के लोगों के खिलाफ। जब उत्तराखंड हुआ तो किसी ने नहीं कहा कि मैं दलित के खिलाफ हूँ या मैं यादव के खिलाफ हूँ। उन्होंने अपना राज्य किया। आज जो मैंने अपना डिमांड किया है वो बंगाली के खिलाफ नहीं है। आज जो डिवाइड त्रिपुरा में है, जो आज अनएम्प्लॉयमेंट है, जब कोरोना हुआ तो मैंने बंगालीज को हेल्प नहीं किया। मैंने कितने बंगालीज को हेल्प किया। आज ये फैमिली ने रविन्द्रनाथ टैगोर, जगदीश चंद्र बोस को हमने सम्मानित किया है। ये गलत र्यूमर है कि ये मूवमेंट एंटी बंगाली है। ये है कि हम अपने ट्राइबल को, इंडिजिनस लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन दर्जा देना चाहते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी और का अधिकार छीन लें। तो ये कहना कि ये एंटी बंगाली मूवमेंट है इस कम्प्लीटली रॉन्ग। सेकेंड, आप लोग तो जानते हैं कि जो लोग ये धर्म का पॉलिटिक्स करते हैं, वो उन्होंने कहा है 80-20, कहीं में उन लोग ने ये कहा है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर इंडिया का भला चाहते हैं तो कोई भी कम्युनिटी को नहीं लगना चाहिए कि उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनली कम पावर है। तो ये हमारा फाइट है, किसी के खिलाफ नहीं है। और मेरा एक ही मैसेज है टू द पीपल ऑफ त्रिपुरा, आई लव माई त्रिपुरा, आई लव माई कंट्री, आई एम पेट्रियोटिक। बट क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू किसी से थोड़ा अलग है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं देशद्रोही हूँ। एंटी नेशनल का मतलब होता है देशद्रोही। और लास्ट पॉइंट मैं आपको बोलना चाहता हूँ, पूजा आप है, थैंक यू फॉर इंटरव्यूइंग मी। ये एक इंटेलेक्चुअल, एक सीनियर इंटेलेक्चुअल ग्रुप है अगरतला में, उनको लगता है कि वही सब जानता है, उनको लगता है कि बिजनेस भी उन्हीं के तरीके से होना चाहिए, उनको लगता है कि जर्नलिज्म भी एक ही तरीके से होना चाहिए, उनको लगता है कि उठना बैठना खाना भी उन्हीं के तरीके से होना चाहिए। टाइम आया है कि जब कोई आदमी या औरत एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है, कोई पार्टी एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है, आप उनके संग डिबेट कीजिए, उनके संग बात कीजिए, उनके संग ब्लाइंडली उनको बोलना कि वो यूजलेस है या वो देशद्रोही है या वो अप टू द मार्क नहीं है, वो गलत बात है। तो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द मीडिया। मीडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, सही आदमी का सही व्यू पब्लिक के पास ले जाए और पब्लिक को डिसाइड करने दीजिए। मुझे समझ में नहीं आता है कि जो डिवाइड किया गया है, ये जो आज डिवाइड है त्रिपुरा में, ये डिवाइड बंगाली और ट्राइबल का खुद से नहीं हुआ है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसी से हुआ है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रॉन्ग पॉलिसी से हुआ है। और आज जब मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करना चाह रहा हूँ, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि हम अगरतला में बात नहीं करेंगे, आपने गलती किया, इसके लिए आज त्रिपुरा में हमारे इंडिजिनस लोगों का ये प्रॉब्लम है, आपने ये प्रॉब्लम क्रिएट किया, अब आप इसका समस्या का हल निकालिए। मैं जा रहा हूँ दिल्ली और बोल रहा हूँ मुझे ग्रेटर पीपलैंड दो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ड्यूटी होता है बोलने के लिए कि ठीक है, ये आपका डिमांड है, चलो हम बात करेंगे, हमारा भी ये पॉइंट ऑफ व्यू है। गवर्नमेंट में ये नहीं बोल सकता हमें कि ADC में जो 40 साल पहले आपको दिया गया था वही काफ़ी है और आप उससे काम चलाओ। आज का तिप्रासा अब चुप नहीं बैठेगा और प्रद्युत मानिकिया इतने आसानी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। मैं कुछ ना कुछ अपने लोगों को देकर ही जाऊँगा। गलाई नहमाई।